नमस्कार प्रणाम साथियों, आज हम लोग आ चुके हैं बीएचयू के मेन गेट पे। यहाँ पे कुछ विवाद हुआ है, आप लोग पता है संडे को 1 तारीख को कुछ विवाद हुआ था। आइए उस मुद्दे पे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं भैया से। बीएचयू गेट पे जो ये पूरा हम लोग नजारा से तक से पूरा बीएचयू गेट का है, तो भैया कुछ बता सकते हैं इसके बारे में क्या हुआ? ये दरअसल घटना शुरू होती है ये जो एक तारीख अभी नवंबर था, तो उसमें रात के 2 बजे IIT जो परिसर है उसमें एक छात्रा IIT की थी और वो अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी। तो 3 बुलेट बाइक सवार थे, उन्होंने उनको रोका और उस छात्रा को बंदूक के बल पे उसके साथ छेड़खानी की, मतलब बहुत जघन्य तरीके से उसके साथ छेड़खानी की। तो फिर उसके बाद वो छात्रा रोते हुए किसी तरीके से भागी और फिर किसी प्रोफेसर से इसकी शिकायत की और फिर रात में वो भागते हुए मतलब किसी प्रोफेसर के ऐसे घर में ही अपने को बचाने के लिए भाग के गई। तो फिर वहाँ से सबको मैटर पता चला कि ये घटना हुई है बीएचयू। दरअसल ये पहली घटना तो है नहीं, बीएचयू में आए दिन ऐसी छेड़खानी की घटनाएं लड़कियों के साथ होती रहती हैं और बीएचयू प्रशासन है कि इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता। अभी 1-2 महीने पहले ही एक ब्लाइंड छात्रा थी, उसके साथ भी ऐसी छेड़खानी की घटना हुई थी, तो वो जो था जिसने किया था उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई, वो भी 1-2 दिन में जमानत पे छूट गया। तो ऐसी और ये जो घटना हुई इस पर प्रशासन ने क्या कहते हैं कि इस पर जो उन्होंने उपाय निकाला ये कहा कि IIT और BHU को बीच एक दीवार बना देंगे और इनको सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ये किसी मसले का हल है नहीं, दीवार बनाने से किसी की सुरक्षा नहीं हो जाएगी। वो छात्रों को बस बांट देना चाहते हैं। सही चीज़ क्या थी कि उस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए था, उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके BHU प्रशासन इस मामले को ही डाइवर्ट करने के लिए कह रहा है कि हम वहाँ पे एक दीवार बना देंगे। तो ये घटना थी, तो उसके उस छात्रा को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कल 6 बजे से हम लोग धरने पे बैठे हैं, इसलिए हम उसके न्याय के लिए बैठे हुए हैं। चलिए भैया से बात करके वो ये चाहते हैं कि जो IIT के बीच में दीवार खड़ा करना चाहते हैं ये दीवार खड़ा ना हो। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल चली जाएगी, कुछ लड़कियां एक क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, लड़कियों को ही आपस में क्या सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है? हम देख सकते हैं इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है। जो भी सारी पाबंदी है वो केवल इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़कियां बंद रहे, लड़कियां चार दीवारी में कैद रहे।